ये मेरी साली अरे तू ही एको साली बाड़ू बकिया हो। वेलकम टू बैक यू टू माई चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इन बात ही आज क्या करने वाले हैं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जो यूट्यूबर चाहते हैं कि हम मम्मी के थ्रू से शादी करेंगे, भैया के थ्रू से शादी करेंगे, आज उसी को ब्लॉग दिखाने वाले हैं, वो है गुड्डू भैया। चलिए वीडियो बना रहा है आखिरी तक आधा घर वाली। दोस्तों ये है गुड्डू भैया और इसका मिलियन में सब्सक्राइबर है और मिलियन में फॉलोअर्स भी है फेसबुक में। फेसबुक में देखा जाए तो 1 मिलियन फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर इनका सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन है दोस्तों। और एक अच्छे अच्छे लड़कियों को ये रोमांटिक मजा लेते हैं दोस्तों और हंसी भी लाते हैं, इनका बहुत रोमांटिक भी। चलिए आगे बने रहे, आगे तक बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, किस तरह से शादी किया नहीं किया उसी के बारे में आज बताने वाले हैं। आप भी हंसोगे और मजा भी लोगे। बीच में यार शादी करके आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे? हाँ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर दुल्हन है, ये दुल्हन किनका है करने जा रहे हैं। सब लोग को पता है कि मजबूरी क्या है और नहीं है, इनको सब लोग जानते हैं, वीडियो पूरा वॉच करवा लेंगे उसके बाद इनको हम दिखाएंगे। चलिए बने रहे आखिरी तक, हम भी देख लेंगे और आप लोग भी दिखाएंगे। यार शादी करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे पता है कि मम्मी मारेगी मुझे, ठीक है। मैं बता भैया आपने बहुत गलत काम किए हैं, अब मम्मी से छुपा कर लेके भागा के आए हैं तो ये बहुत गलत काम किए हैं। बोल रहे थे गुड्डू भैया शादी कब करेंगे, गुड्डू भैया शादी कब करें, गुड्डू भैया शादी ही कर लिया मंदिर में जाके भाग के। लगभग हम 2 साल से रिलेशनशिप में, 2 साल से इसको भगा के लेके आए हैं। मैं तो फंस गया, तो यहाँ भी पोल खुल गया भैया कि 2 साल में रिलेशनशिप में था गुड्डू भैया और आप लोग को बोल ही नहीं रहा था कि, और सब लोग बोल रहे थे गुड्डू भैया शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे, 2 साल से अपना रिलेशनशिप बना के रखा था। आई घर में बेलना से रोटी खिलाओ, खिलाओ। हाँ भैया बेलना आपको ही देना पड़ेगा और दूसरा कोई थोड़ा देगा यार, आप भी आए। मुझे पता है कि मम्मी मारेगी मुझे, ठीक है। तो चलो चलते हैं मम्मी के पास, देखते कैसा रिएक्शन भैया। अगर मम्मी के पास जाएंगे तो मम्मी के जाके पेट छू लेना, गोड़ लग लेना, प्रणाम कर लेना, नहीं तो बहुत गलत है। तो भाई हम दोनों की शादी तो हो गई, अब हमें फट रही है अपनी मेट्रो कर लिया यार। चले आगे क्या होता है नहीं होता पूरा देखिएगा वीडियो पूरा, ताकि मजा आएगा। ये तो मेरी दुल्हन है ना, तो सब छोड़ो क्या है क्या नहीं। मैं देवर भाभी का और ये मेरी साली। यार अजीब कर दिया यार, बोल रहे मैं हूँ देवर हूँ भाभी का। हाँ तो देवर ही रहेगा ना अब गुड्डू भैया। मैं देवर भाभी का मार रहे यार गुड्डू। अबे साले साले अरे यार साले साली तो आधा घरवाली तो होता ही है भाई, उसमें क्या नहीं, नहीं मतलब अरे आजा आधा घरवाली तो हाथ क्यों लगा रहा है यार। गुड भाई के साली है और आधा घरवाली है, अभी मेरी साली है भाई ये मेरे ये सिर्फ मेरे भाई का है। हाँ ये सिर्फ भाई का है, गुड भाई का नहीं है भाई का है। भाई शादी अभी हुआ और तुम भाभी को छेड़ने चालू कर दिया यार, अरे हद कर दिया यार। हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए, दर्शकों को सबको वेट कर रहा है। हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? हेलो भैया जो वीडियो बना रहा है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। हनीमून बनाने के लिए कहाँ जाएंगे भैया, ये भी कैमरामैन भी जाएंगे साथ में, छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हनुमान कहाँ बनाएंगे वहाँ तो मजा लेगा भाई वीडियो बना। भाई एक्चुअली हमें रिएक्शन भी थोड़ा बहुत चाहिए क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगेगा, फनी लगेगा। तो हम जा रहे हैं मेट्रो में पहन के माला सब, ठीक है। और यहाँ पे लोगों का रिएक्शन हेलो कैसा लग रहा है? बेकार बेकार लग रहा है। हेलो हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो बता दीजिए दर्शकों को, कहाँ जा रहे हो आप लोग भागते हो? हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो भाई आप सब लोग को कैसे लगा हमारा ब्लॉग, आप लोग को कैसे लगा रोमांटिक, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह से अच्छा अच्छा क्रेडिट इसी तरह के बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो लेते आऊँगा
और रोमांटिक करवाते रहूंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय झारखंड।